एक बड़ा ही अवामी मसला है, उसे हमने सोचा कि थोड़ी बहुत उस पर थोड़ा उसका हल निकालने की कोशिश करें। अच्छा, अभी तक ये बहस ज़रूर होती है और ये सवाल पूछा जा रहा होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर होता है या सिंगल फैमिली यूनिट सिस्टम ही बेहतर होता है। अब बहुत सारे लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, और बहुत सारे से पूछो वो कहते हैं नहीं जी सिंगल रहना ही सुकून होता है, अदरवाइज़ बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है हर किसी की अपनी राय होती है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या बेहतर होता है और लड़कियाँ या लड़के क्या तरजीह दे रहे होते हैं खुद से, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ जी मैच मेकर फौजिया आजम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक जी, आई एम गुड थैंक यू। ये ज्यादा मसला लड़कियों की तरफ से आ रहा है जी, लड़कियां या लड़कियों की फैमिली ये तरजीह देती है कि सिंगल यूनिट हो या कि नहीं? जी बिल्कुल, गर्ल्स फैमिली की तरफ से ये डिमांड होती है कि स्मॉल फैमिली हो और सिर्फ अगर लड़का ही हो तो बेहतर है। अच्छा, बाकियों मतलब वो कहते क्या करें? बाकी फिर मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि ऑर्फनेज से भी लड़का उठा लेते हैं, वहाँ से पसंद करते हैं। क्योंकि फिर जवाब क्या होता है? नहीं कहती है, नहीं चलें फिर सिस्टर्स ना हो, देखें कम हो, आपको पता है नंदे बहुत तंग करती है, सास ना हाँ, हो भाभियाँ कुछ नहीं करती। नहीं। अच्छा मतलब कि हो ही ना, ये ऐसे ढूंढ रही होती है या फिर ये कि जब शादी हो तो एक घर में डिमांड होती है कि कम से कम हो, ना अच्छा, हो तो बेहतर है, ना हो तो बेहतर। अच्छा अब तो जरा शादी के बाद एक घर की बात करते हैं जहाँ पर वो कहती है जॉइंट फैमिली सिस्टम हमें नहीं चाहिए, वही चाहिए जहाँ पे वो हो, उनका हस्बैंड हो और जाहिर है उनके बच्चे आगे उनकी फैमिली हो। सो ये लड़कियों की तरफ से डिमांड ज्यादा आती है, लड़कियों की फैमिली की तरफ से डेफिनेटली, बॉयज फैमिली क्यों ऐसी बात करेगी? अच्छा लड़के खुद नहीं चाहते ऐसा? नहीं वो ऐसा नहीं चाहते, वो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू, क्योंकि देखें जॉइंट फैमिली में बहुत सपोर्ट होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फन होता है, एंटरटेनमेंट होती है, और किसी भी सिचुएशन में डेफिनेटली बड़ों का साथ और हमारे गाइडेंस होती है, दुआ होती है। ये बड़ा बड़ा हम पॉइंट है, इसमें ज़रा इसमें एक और मौजू निकल जाएगा, लेकिन सब अपना अपना काम करें या किसी के डोमेन में ना जाएं और किसी की प्राइवेसी को ना डिस्टर्ब करें, बिल्कुल एक सेपरेट मौजू हो जाएगा। लेकिन साथ अनाउंस करते हैं कॉलर्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आप अपनी राय शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो भी करें, कि जो इस वक्त सिंगल रहते हैं, यानी सिंगल से मतलब मेरे नहीं कल्ले कल्ले रहते हैं, यानी मियाँ बीवी बच्चे अलग रहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो शेयर करें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि लड़की या लड़की की फैमिली, इसमें पसंद की शादी हो या कि फैमिली ने तय किया हो, दोनों सूरतों में ये डिमांड नज़र आती है? जी बिल्कुल, गर्ल्स फैमिली देखिए वो बिल्कुल भी फैमिली की इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल गर्ल्स लेने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, मजबूरन लेनी पड़ जाए, लेकिन ये आई थिंक गर्ल्स की जो फैमिली है या उनकी मदर्स है ऐसा ग्रूम करना चाहिए कि लड़के के पेरेंट्स या उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, रिस्पेक्ट देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अब ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर लड़की की फैमिली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के के ऊपर ही आयद होती है, लड़की की जो फैमिली है जाहिर है उसके पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, अगर वो खुशी से लेना चाहती है जिम्मेदारी तो वो लेती है, लेकिन उसके ऊपर आयद तो नहीं होती। नहीं, आयद हमारे रिलीजन से भी नहीं है, लेकिन आई थिंक लेनी चाहिए। हमारे देखें रिलीजन में पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का कहा गया है, जब कहा गया है तो आई थिंक बच्चों को बेटों को छोड़ के उनको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये अब जाहिर आपकी जाती राय भी है उसकी, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों से भी हम इसीलिए कहेंगे कि हमें कॉल जरूर करें और अपनी पर्सनल राय से भी हमें आगाह जरूर करें, क्योंकि दोनों चीज़ें गलत तो है नहीं। अगर मर्जी से कोई चीज़ हो रही है, वो जॉइंट फैमिली है या फिर वो हम देख सकते हैं कि सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम है, तो वो हर एक की अपनी तरजीहात हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं और जाहिर है उसके फवायद भी हैं, वो भी शेयर करें। अच्छा, अब जिस तरह अगर लड़कियां आती हैं कि नहीं ऐसा है, अच्छा एक कॉलर है पहले वो कहते फिर सवाल लेते हैं। जी आसिफ है हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जी आसिफ क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए साथ। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ। भाभी खुश हैं? जी भाभी खुश हैं। जी भाभी खुश हैं। ठीक है, और आप बताएं फायदा क्या क्या होता है अगर आप जॉइंट फैमिली में आज ना होते तो क्या क्या नुकसान होता? जॉइंट फैमिली में तो बहुत फायदा होता है, और क्या क्या फायदा वो नुकसान आते हैं? जी आप चूंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं इसलिए उन लोगों को बताएं जो नहीं रहते या नहीं रहना चाहते, उनको जरा समझाएं कि क्या फायदा है ज्वाइंट फैमिली में। ज्वाइंट फैमिली में ये फायदा है कि अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप है ना अपनी वाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर में रह सकती है, और सिंगल रहेंगे
तो वो सिक्योर नहीं रह सकती, आपको टेंशन नहीं रहेगी। ज़ाहिर है अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो भी आपको फिर ऑफिस से आना पड़ेगा भाग के। एक और कॉलर आवाज़ मलिक हबीब फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? कहता हूँ कि ज्वाइंट फैमिली में रहने, अलग रहने के लिए क्यों कहा जाता है? देखिए सर, बात यह है कि मैं भी मतलब लड़का हूँ और लड़की बैठी है, इनके भाई भी हैं लड़की वालों के, तो लड़की वाले यही ख्वाहिश क्यों करते हैं कि हमें अलग रहना चाहिए? उनके भी तो भाई हैं, वो चाहेंगे कि हम अलग रहें। आप शादीशुदा हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? जी सर, मेरी मदर की तो डेथ हो गई थी, मेरे वालिद और मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ है, उनकी बेटी भी है। और क्या आपकी बेगम खुश है या उन्होंने डिमांड की, या अभी वो डिमांड करती है कि नहीं मुझे अलग ही रहना है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, मुझे नहीं रहना? नहीं सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है मैम, वो बहुत ज्यादा। चलिए जबरदस्त, ये तो एक अच्छी बात है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो दोनों रहना चाहते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। जी जी, प्लस है, डेफिनेटली लोग खुश हैं जॉइंट फैमिली से। असल में इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारे कंट्री की है उसको भी देखते हुए आई थिंक वी शुड गो फॉर जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज इस दफ़ा जो है हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अर्न करना चाहिए। डेफिनेटली इट इज़ नॉट ईजी फॉर वन पर्सन जो ब्रेड विनर हो कि वो ही उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वाइफ्स भी साथ काम कर रही हैं तो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली में जो सिंगल यूनिट होता है। ओके, तो उसमें अगर आपके साथ ग्रैंड पेरेंट्स हो या अंकल्स आंट्स, तो गाइडेंस बहुत ज्यादा होती है, सिक्योरिटी होती है, सेफ होते हैं बच्चे, गाइडेंस होती है डेफिनेटली। एक और कॉलर है, एजाज साहब है रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? सलाम जी, एजाज अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरा ये कहना था कि ये जो जॉइंट फैमिली है इसके सबसे बड़ा इशू ये है कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए बेहतर है कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहना इसलिए बेहतर है क्योंकि जॉइंट फैमिली में वो 100 तरह के मसाइल परेशानियां आपको जिंदगी में क्रिएट होती हैं। अगर आप मसाल को कोई डिलीवरी केस है, कोई अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अचानक से कोई परेशानी आ जाती है घर में, तो जॉइंट फैमिली का होना जरूरी है, किसी बहन का, किसी भाई का, सपोर्ट सर का या वालदा का होना आपके साथ बहुत जरूरी है जॉइंट फैमिली के लिए। अच्छा, वैसे सपोर्ट के लिहाज से भी जितने भी कॉलर्स भी आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक सपोर्ट होती है जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि एक फैमिली सपोर्ट है आपके पास, एक सिक्योरिटी होती है कि आप नहीं है तो वो सारी जरूरियात भी पूरी हो जाती है, कोई लुक आफ्टर कर रहा है। एग्जैक्टली वो चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम, अच्छा आप उन लड़कियों की बात करते हैं जो कि नहीं रहना चाहती जॉइंट फैमिली सिस्टम में, आप उनके भी अपने कंसर्न्स हैं जो कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि वैलिड है। इस तरह वो ये कहती है कि मुदाखलत बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, और स्पेशली आगे अगर फैमिली वाइज देखा जाए तो बच्चों की कभी कभी देख रहे तरबियत में भी मुश्किल हो रही होती है, तरबियत करने में भी। एग्जैक्टली वो तो शायद उस मदर को इतना चांस नहीं मिलता, वो ग्रैंड पेरेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं। तो देखें अगर कोई रहना चाहता है न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली में तो उसे इजाजत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर उसका कोई अगर ऐसे इश्यूज हो गए तो बेहतर है कि आपस में मामला खराब हो, अलग रहें और मिलते जुलते रहें। एक और कॉल है, सायरा है फ्रॉम हैदराबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं आवाज से बात कर रही हूँ। जी 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 जी, मैं अभी तक जितनी मैंने कॉल आपके मॉर्निंग शो में देखी हूँ सब मर्द हजरात कर रहे हैं, जो प्रेफरेंस है उनकी कि भाई ये जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, इस साल माशाल्लाह मेरी शादी को 25 साल हो जाएंगे जॉइंट फैमिली के साथ। माशाल्लाह, कैसा एक्सपीरियंस रहा 25 साल का? सॉरी, 25 साल का तजुर्बा जॉइंट फैमिली में आपका कैसा रहा? यकीन कीजिए, अब मैं जब 25 साल पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे पेरेंट्स सारे US में रहते हैं, मैं अकेली हूँ यहाँ। यकीन करें मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। बहुत प्यारी बात जी, चलें ये भी खुश हैं, जाहिर है जितने लोग हैं वो सारे बड़े खुश हैं, अच्छी बात है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे इसी तरीके से। अच्छा जी, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, रबीका है कराची से। जी रबीका, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती, माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, एक मेरा बेटा है 10 साल का, लेकिन मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिली बेस्ट है। आप नहीं रहती लेकिन फिर भी कहते हैं बेस्ट है, अब मुझे बताएंगे अकेले रहने में क्या ऐसी मुश्किलात देखी जो आपको लगता है जॉइंट फैमिली में होती तो वो ना होती? दरअसल बात यह है कि मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ। अच्छा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं अकेले अपने बच्चे को देख रही होती हूँ, क्योंकि जाहिर है शौहर सुबह से जाते हैं रात गए आते हैं, वो उस हद तक मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, मेरे बेटे को नहीं कर सकते, और 10 काम होते हैं औलाद के, मतलब स्कूल से आना, फिर ट्यूशन होती है, फिर कारी होते हैं। अब आप बताएं एक माँ अकेले क्या क्या देख सकती है, और फिर घर के 10 काम होते हैं उससे हटकर भी।
लेकिन मैं कहती हूँ अगर एक बच्चे को दादा दादी का सपोर्ट है तो मैं कहती हूँ उससे बेस्ट परवरिश बच्चे की नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं जी, माँ बाप से भी ज्यादा ख्याल दादा दादी नाना नानी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है सादिया फ्रॉम मुल्तान। सलाम अलैकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, मैं सादिया बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्वाइंट फैमिली के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं और सेपरेट रहने के भी कुछ मजे हैं। तो मैं तो यानी कि कुछ अर्सा ही ज्वाइंट में रही हूँ, मैं सेपरेट यानी कि मुझे होना पड़ा क्योंकि वहाँ सिस्टम ही ऐसा था मेरे ससुराल में। तो लेकिन मुझे बहुत मुश्किल होती थी बच्चों को रेस करने में, बच्चों को संभालने में, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, काम भी करती थी और घर को भी मुझे देखना होता था। इसीलिए मुझे तो ज्वाइंट फैमिली ज्यादा पसंद है। अच्छा, जॉइंट फैमिली आपको ज्यादा पसंद है, लेकिन जाहिर है आप पहले रहती थी, फिर आपको अलग होना पड़ गया। अच्छा सादिया, यहाँ पर जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे भी है ये कि वो जरूरत की हद तक ही जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करें, मतलब जिससे भी पूछे वो ये नहीं कि अटैचमेंट की पर्सपेक्टिव में कोई बात कर रहा हो कि नहीं अटैचमेंट है या फिर रहना चाहिए या फिर प्यार बड़ों का। जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये कि नहीं हम जॉब करते हैं, पीछे बच्चे संभालने के लिए कोई हो, तो मैंने जरूरत ज्यादा देखी है यहाँ पे। फायदा अच्छा, ये जरूरत वाकई आज के दौर में बढ़ गई है ज्यादा, लेकिन पता क्या, बड़ों का जो प्यार होता है दादा दादी का, नाना नानी का बच्चों के लिए, वो भी तो बच्चों की शख्सियत के नशो नुमा में बहुत अहम किरदार अदा करता है ना। अब देखिए यानी कि जैसे जॉब करने वाले लोग हैं या जो हाउस वाइफ भी है, उन्हें भी बहुत काम करने होते हैं घर के, और जो जॉब करने वाले होते हैं वो कम से कम ये गए हुए हैं वो कहीं, या ये कि भाई वो थके हुए हैं, ये जरूरत भी है। ये यानी कि आप ये समझिए कि ये नेचर का हिस्सा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, आपने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया जी साथ मौजूद थे। बड़ा अहम ये मौजू, और ज्यादातर बल्कि मैक्सिमम जो कॉलर्स थे और थी, उन सब ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर किया जरूरत की हद तक। अटैचमेंट भी है, जो तरबियत नाना नानी दादा दादी करते हैं, जो बड़े करते हैं, जाहिर है वो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, मेरा वोट भी इस तरफ है, मेरा नहीं है। मैं शादीशुदा होके वोट इसमें डाल रहा हूँ।